हेलो फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हैं। जी हां फ्रेंड, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटी सी सेटिंग्स करनी है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड, आप कई बार देखते होंगे कि आप अपने ब्राउजिंग करते हैं, कुछ भी वहाँ पर सर्च करते हैं, तो वहाँ से आपका जो फ़ोन है वो हैक हो सकता है। कोई भी आपके फ़ोन को बहुत ही आसानी के साथ में हैक कर सकता है, अगर आपने अपने फ़ोन के अंदर सेफ ब्राउजिंग सिस्टम इनेबल नहीं किया हुआ है, तो बहुत ही आसानी से कोई भी आपका फ़ोन जो है वो हैक कर सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप उससे बच सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट यानी कि सिक्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जान लीजिए, मेरा नाम है मुकेश पाल और आप देख रहे हैं मुकेश पाल टेक। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले आए। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आपको उसके लिए करना क्या होगा, आपको सबसे पहले चले जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र होते हैं ना आपके फ़ोन में, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पर मेरा क्रोम ब्राउज़र है, मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में फ्रेंड कुछ ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। तो आपको देखिए, यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ आना है और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सिंपली से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेव ब्राउजिंग, ठीक है, आपको यहाँ पर सेव ब्राउजिंग दूसरे नंबर का है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड देखिए, उसके बाद में कुछ ऐसे तीन ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ इन हैंड प्रोटेक्शन, ठीक है, आपको यहाँ पर सबसे ऊपर वाले पर क्लिक कर देना। फ्रेंड ये सबसे सेफ ब्राउजर है, अभी एक सेटिंग्स और बताने वाला हूँ मैं इसके बाद में आपको, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये सबसे जो सेफ ब्राउजर होता है वो यहाँ पर होता है। आप कुछ भी यहाँ पर सर्च करेंगे, लेकिन कोई भी आपके मोबाइल फ़ोन को जो है हैक नहीं कर पाएगा किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर आप गूगल के अंदर ये सेटिंग्स में जा कर के करते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी में जा कर के, वहाँ पर देखेंगे आप, जब भी आप इसको इनहैंड प्रोटेक्शन को इनेबल करते हैं, तो आपका जो ग्रीन कलर का टिक है वो वहाँ पर लग करके आ जाता है। तो ये सबसे सेफ ब्राउज़र जो है वो माना जाता है, ठीक है। अभी आप यहाँ से बैक चलेंगे, एक बार और बैक के यहाँ से करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा है सेफ्टी चेक, ठीक है, आपको यहाँ पर सेफ्टी चेक पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप यहां पर सेफ्टी चेक पर क्लिक करेंगे, आपको यहां पर चेक नाउ का नीचे ऑप्शन मिलेगा, आपको यहां पर चेक नाउ पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप यहां पर चेक नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में देखिए आपको यहां पर ये जो राइट के ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको यहां पर अगर ये अपडेट आपका फ़ोन मांग रहा है, तो सबसे पहले आप इसको यहाँ से अपडेट कर लेंगे, ठीक है। मेरा जो मोबाइल फ़ोन है यहाँ से वो अपडेट नहीं मांग रहा है, ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल ये सेफ है। अगर आपका यहाँ से कोई भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप यहाँ से मतलब ये यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर ये टिक अगर नहीं आ रहे हैं आपके, अगर ये टिक यहाँ पर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका फ़ोन जो है वो बिल्कुल सेफ है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।